के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पॉल और बिहार के राम बाबू भगत की कहानी। वंदे मातरम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1905 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी स्थापना विपिन चंद्र पाल ने की थी और इसके संपादक अरविंदो घोष थे। वंदे मातरम का उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष के लिए तैयार करना था। इसके कर्मचारियों में न केवल विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष बल्कि कुछ अन्य बहुत ही योग्य लेखक श्याम सुंदर चक्रवर्ती, हेमेंद्र प्रसाद घोष और बिजॉय चटर्जी भी शामिल थे। अरविंदो ने अखबार में क्रांति के राजनीतिक दर्शन पर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। वंदे मातरम में अरविंदो घोष के संपादकीय की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा था, वंदे मातरम देश में ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, भले ही वे इससे कितना भी डरें या नफरत करें। अरविंदो नई पत्रिका में प्रमुख और केंद्रीय व्यक्ति थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें जो अवसर नहीं मिले वो सब उन्हें वंदे मातरम के पन्नों में मिले, जिससे कुछ युवाओं के शिक्षक बनने के विपरीत उन्हें पूरे देश के युवाओं का शिक्षक बनने का अवसर मिल गया। वंदे मातरम पत्रिका जनमानस को बदलने और क्रांति के लिए तैयार करने के प्रभाव के मामले में लगभग अद्वितीय थी। आज हम बिहार के पटना निवासी क्रांतिकारी राम बाबू उर्फ भगत को भी याद कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यकर्ता थे। वे पटना शहर में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे बम के विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राम बाबू को पटना जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां 6 अगस्त 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।